पिता पलोन जी शापू जी मिस्त्री के पुत्र और मशहूर उद्योगपति और टाटा संस के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मुंबई के पास पालघर में उनकी कार हादसे में मृत्यु हुई है। कार एक डिवाइडर से टकराई। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी और उनकी कंपनी के डायरेक्टर साथ ही साथ पुलिस ने जो जानकारी दी है उससे ये पता चलता है कि मिस्त्री मर्सिडीज़ कार से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। दुर्घटना लगभग 3:15 पर हुई है। सूर्या नदी पर बने हुए पुल जो कि पास में है पालघर के। कार में जहांगीर दिनशा पंडोले, अनाहिता पंडोले, डेरियस पंडोले सवार थे। इनमें से साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले का निधन हो गया है। बाकी दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अनाहिता पंडोले स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जहांगीर पंडोले की पत्नी हैं। डॉक्टर अनाहिता कार चला रही थीं और इस हादसे में वे घायल हुई हैं। अब उन्हें मुंबई लाया जा रहा है और उनका इलाज किए जाने की समूची व्यवस्था की गई है। 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री भारतीय मूल के सबसे सफल और ताकतवर कारोबारियों में से एक पलोन जी शापू जी मिस्त्री के बेटे थे। पलोन जी शापू जी मिस्त्री की मृत्यु भी इसी साल 2022 में 22 में ही हुई है और वो 90 से अधिक वर्ष की आयु पार कर चुके थे। 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा संस के चेयरमैन बने थे। दरअसल साल 2006 में पलोनजी मिस्त्री के सबसे छोटे बेटे साइरस मिस्त्री टाटा संस के साथ जुड़े थे। इसके बाद दिसंबर 2012 में रतन टाटा की जगह टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया। टाटा संस के चेयरमैन बनाए जाने के 4 साल बाद 2016 में उन्हें अचानक उनके पद से हटा दिया गया। और ये मामला सिर्फ हटा देने पर ही ख़त्म नहीं हुआ, इसमें एक लंबी लड़ाई चली। ट्राइब्यूनल पहुंचे थे साइरस मिस्त्री, यानी कि कोर्ट पहुंचे थे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से जब हटाए गए तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT की मुंबई बेंच के सामने उन्होंने एक याचिका दायर करी थी और उन्होंने खुद को पद से हटाए जाने के साथ ही अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों को दबाने का मुद्दा भी उठाया था, यानी जिनके पास कम शेयर हैं उनके मुद्दों को दबाया जा रहा है। 2017 में NCLT ने मिस्त्री की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें चेयरमैन और निदेशक पद से हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया था। ये मामला फिर और लड़ाई चली और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में टाटा को ही जीत मिली। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री NCLT के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जहाँ हार गए थे, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर सुनवाई के दौरान मार्च 2021 को चीफ जस्टिस SA बोबड़े की बेंच ने आखिरकार मामले का निपटारा करते हुए फैसला टाटा के पक्ष में सुनाया था। साइरस मिस्त्री जो हैं उन्होंने लंदन से पढ़ाई करी थी। उनका पूरा परिवार जो है वो आयरलैंड में शिफ्ट हो चुका है और भारतीय मूल के आयरिश व्यापारी आप उन्हें कह सकते हैं। पलोन जी मिस्त्री ग्रुप का कारोबार कपड़ों से लेकर रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस ऑटोमेशन यानी कि तमाम बिजनेस के कार्यों को ऑटोमेटिक बना देने आदि पर निर्भर है। ये सब उनके एरिया हैं जहां पे वो काम करते हैं, जिसमें उनकी बिजनेसेस हैं। साइरस मिस्त्री के नेतृत्व में उनकी कंपनी ने भारत में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। इनमें सबसे ऊँची रिहायशी टावर का निर्माण करना, सबसे लंबे रेल पुल का निर्माण करना, सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण करना और यही नहीं, उन्होंने विश्व के अनेक देशों विशेषकर खाड़ी देशों में भी बहुत अच्छे निर्माण करके उनकी कंपनी ने दिखाए। तो ये एक दुखद घटना मिस्त्री परिवार और उनसे चाहने वालों की है। 28 जून 2022 को उनके पिता की मृत्यु हुई थी जो कि 93 वर्ष के थे और आज 4 सितंबर 2022 को साइरस मिस्त्री की भी मृत्यु हो गई है। शापू जी के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी ही कंपनी ने 1960 में रिलीज़ हुई ऐतिहासिक फिल्म मुगले आज़म के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 15 साल में बनी इस फिल्म पर उस ज़माने में 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस फिल्म को रंगीन
करके रिलीज़ किया गया, इसका रंगीन संस्करण जारी किया गया, तब भी उनकी कंपनी ने लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए। टाटा ग्रुप के वाइस चेयरमैन साइरस मिस्त्री के पिताजी ने ये सब किया था। 1929 में एक पारसी परिवार में वो पैदा हुए थे शापू जी। 1865 में उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर ली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि शापू जी को विरासत में बहुत कुछ मिला, लेकिन उन्होंने उसको जिस तरह से संभाला, आगे बढ़ाया, वो सब बहुत ज़बरदस्त था। और शापू जी कभी भी साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं देते थे, सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए। और बॉम्बे हाउस टाटा समूह का मुख्यालय है एक्चुअली, तो टाटा समूह में उन्हें फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से जाना जाता रहा है। शापू जी के 18% यानी 18% से ज़्यादा शेयर थे टाटा समूह में, जबकि टाटा समूह में रतन टाटा की हिस्सेदारी 1% से भी कम रही है। इस तरह से टाटा समूह के सबसे बड़े शेयरधारक रहे हैं शापू जी। तो दोबारा इनके बारे में हम बात करें साइरस मिस्त्री के, इससे पहले थोड़ा और जानते हैं उनके पिताजी के बारे में। असल में आयरिश मूल की पेरिन दुबाश के साथ शादी करने के बाद उन्होंने आयरलैंड की नागरिकता ले ली थी। फोर्ब्स की जो मैगजीन है उसने 2011 में उनकी संपत्ति 8.8 अरब डॉलर आंकी थी और उन्हें सबसे धनी आयरिश व्यक्ति घोषित किया था। इंपीरियल टावर के निर्माता भी यही हैं और मस्कट के सुल्तान का महल भी इन्होंने बनवाया है, जो कि जाना जाता है अपनी स्थापत्य कला के लिए। टाटा समूह का उपाध्यक्ष बनने से पहले शापू जी पलोन जी अगस्त 2006 से टाटा ग्रुप के डायरेक्टर थे। वे आदि गोदरेज के बाद सर्वाधिक धनी पारसी पलोन जी शापू जी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं। कौन? शापू जी के बेटे साइरस। साइरस की पूरी पढ़ाई लिखाई जो है लंदन में हुई, उन्होंने यहाँ से इंपीरियल कॉलेज से पढ़ाई की, सिविल में इंजीनियरिंग में स्नातक किया। साइरस ने लंदन के बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में MSc की डिग्री ली। उनका भारतीय मनोरंजन उद्योग में 22 साल का लंबा अनुभव रहा है। वे जून 2003 तक फोर्ब्स के गैर कार्यकारी निर्देशक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। साइरस के नेतृत्व में शापू जी पलोन जी का कंस्ट्रक्शन कारोबार 2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1.5 अरब डॉलर हो गया। वह साइरस ही हैं जिनकी अगुवाई में देश का सबसे ऊंचा आवासीय टावर बना, रेल ब्रिज बना और साथ ही साथ बंदरगाह बना। तो ये तमाम बातें हैं जो हम याद रखेंगे हमेशा साइरस को, कि उनने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से टाटा सन्स के साथ जुड़े, हालांकि उसमें विवाद भी एक था, पर उनके अचीवमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमें ये लगता है कि ये एक तरह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग जगत और भारतीय मूल के लोगों, इन सब के लिए बहुत ही दुख का समय है कि हमारे बीच में साइरस मिस्त्री नहीं रहे। तो हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं साइरस मिस्त्री की इस दुखद दुर्घटना में मौत को, और जो घायल हुए हैं इसमें उनके साथ हमारी संवेदनाएं, दुआएं हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इन समस्त हताहत लोगों के परिवार, मित्रजनों, इष्टजनों के लिए हम कामना करते हैं कि ऊपर वाला उनको सब्र दे, शांति दे और इस क्षति को सह पाने की ताकत दे।